आज हम एक ऐसी शादीशुदा कपल के बारे में सुनने जा रहे हैं जो कि सिर्फ नाम के ही शादीशुदा थे। बस कुछ ही लोगों को उनकी शादी के बारे में पता था। ये शादी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हुआ था और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या थी वो हम धीरे धीरे जानेंगे। हमारी आज की हीरोइन का नाम था लशन और हमारे हीरो का नाम शिंग था। लशन को एक हार्टलेस कठोर पत्नी दिखाया गया है जिसे बस शेंग के पैसे चाहिए थे। ये शादी भी उसने पैसों के लिए किया था। शेंग दिल से लशन से प्यार करता था जिस वजह से वो लशन की बेरुखीपन को चुपचाप सह लेता था इस उम्मीद के साथ कि एक दिन लशन ज़रूर उसके प्यार को समझेगी, वो भी उसे उतना ही प्यार करेगी जितना कि वो उससे करता है। लेकिन लशन तो ये कहने से भी कतराती नहीं थी कि वो अपने आप को बेच के शिंग से पैसे ले रही थी। लशन नहीं चाहती थी उनकी शादी के बारे में किसी को पता चले। वो SH मैगजीन की चीफ एडिटर थी। ये थी शूजी। लशन की कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए इसे चूज किया गया था मॉडल के तौर पे। लेकिन इसके नखरे, बाप रे बाप, सबको ये बेझिझक इंसल्ट कर देती थी। इसके पसंद का कुछ ना हो तो वो थप्पड़ मारने से भी कतराती नहीं थी। ये सब देख के लशन तो सूजी को इतनी आसानी से जाने नहीं देती। वो उसे माफ़ी मांगने के लिए बोलती है। ये बात सूजी के ईगो पे लग जाती है। ऐसा वो कभी नहीं करने वाली थी। तो लशन भी थप्पड़ के बदले उसे थप्पड़ मारती है। हिसाब बराबर। सूजी धमकी देती है तो लशन भी उसे धमकी दे के कहती है उसके थप्पड़ मारने वाली सीन उनके CCTV पे कैप्चर हो गया है, ज़्यादा कुछ करेगी तो वो सोशल मीडिया पे उसकी ये हरकत अपलोड करके उसे बदनाम कर देगी। सूजी उनके मैगजीन के लिए शूटिंग करने से इनकार कर देती है। पेनल्टी देने से भी वो घबराती नहीं, लेकिन बदनाम होने के डर से वो कुछ कह भी नहीं पाती। इसके तुरंत बाद ही लशन पे उसका बॉस प्रेशर डालते हैं। दरअसल सूजी शिंग की कंपनी की स्पोक पर्सन थी। सूजी को थप्पड़ मार के लशन ने अपनी कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। बॉस उसे शिंग से माफ़ी मांगने जाने के लिए बोलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लशन और यूई शेंग से माफ़ी मांगने जा रहे थे। यूई को शेंग पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने शूजी जैसे घमंडी लड़की के लिए उन्हें थ्रेट किया था। वो शेंग के बारे में उल्टा सीधा बोलती जाती है। पर अफसोस बाद में यूई को पता चलता है अब तक शेंग उनके पीछे खड़ा था। लशन जब बताती है शूजी ने पहले थप्पड़ मारा था, शेंग ये सोच के एक्साइटेड हो पड़ता है कि शूजी ने लशन पे हाथ उठाया था। लेकिन जब सुनता है यूई पे उठाया था तब उसका रिएक्शन एकदम ठंडा पड़ जाता है, जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। शेंग को मनाने के लिए शूजी लशन से उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलने के लिए बोलती है। लशन शेंग के साथ प्रोफेशनली बात करती है। यूई लशन की तरफ से शेंग को मस्का लगा के कहती है वो इतना अच्छा इंसान है कि जो लड़की उससे शादी करेगी वो धन्य हो जाएगी। शेंग तो इसी बात से आधा खुश हो जाता है। वो लशन से अलग से बात करना चाहता है। शेंग और शूजी के रिश्ते को लेके चारों तरफ र्यूमर्स फैली थी। शेंग को लगा था लशन जलन के मारे सूजी को थप्पड़ मारी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पत्नी अगर पति की तरफ ध्यान ना दे तो पति को ही पत्नी का ध्यान अपनी तरफ करना पड़ता है। शेंग के कहने पे लशन उसके हाथों में बैंडेज करके दे रही थी। इसके बदले लशन यहाँ जिस काम से आई थी वो शेंग पूरा कर देता। ऐसे में वहाँ सूजी आती है। लशन को शेंग के साथ देख के वो लशन को लालची, मतलब ही बेशरम लड़की समझती है, क्योंकि उसे लग रहा था वो शेंग को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो जाके लशन को दिखाती है शेंग पे उसका हक था। लशन की वजह से शेंग को उनकी शादी छुपानी पड़ रही थी, नहीं तो वो शूजी को उसकी औकात दिखा देता। शूजी लशन से रात में पार्टी में जाने के लिए बोलती है। लशन को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन शेंग इसी शर्त पे उसकी बात मानेगा कहता है। लशन की भी मजबूरी थी तो वो हाँ कह देती है। पार्टी में शूजी अपने एक चेले को लेके आई थी उसकी तरफ से लशन को इंसल्ट करने के लिए, लेकिन शेंग के रहते कोई उसके पत्नी को इंसल्ट नहीं कर सकता था। वो लशन को लेके बाहर चला जाता है। वो लशन पे हक जताने की कोशिश करता है, लेकिन लशन की वही ठंडा रिएक्शन
वो लशन को घर लेके आता है। अभी भी लशन को पैसों की पड़ी थी, उसे अपना जॉब नहीं खोना था। शेंग हेल्पलेस फील कर रहा था। ऊपर से उसे चिंगजी का मैसेज आता है जो कि लशन के होने वाले जीजा जी थे, वो कल आने वाला था। हमें पता चलता है लशन बचपन से लेके आज तक चिंगजी को पसंद करती आई है और हमेशा उसे ही पसंद करने वाली थी। उसके दीदी के साथ चिंगजी की शादी होने जा रही थी, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लशन ने शेंग से कहा था अगर उसमें हिम्मत है तो उसकी वजह से वो उसे डिवोर्स दे सकता है। एक तरफ चिंगजी के आने की खबर से शेंग के तन बदन में आग जल उठती है, वहीं दूसरी तरफ लशन को उसके आने की खबर से उसके जान में जान आती है। अगले दिन लशन शेंग के लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है क्योंकि उसे घर जाने के लिए शेंग को राजी करवाना था। शेंग कहता है वो क्या चाहती है, उसके साथ जाके वो उसके और चिंगजी को फ्लर्ट करते हुए देखे। अगले सीन में हम देखते हैं शेंग का इस रेस्टोरेंट में मीटिंग होता है जहां लशन भी अपनी कलीग के साथ आई होती है। बाद में लशन के साथ मिस्टर लियू की मुलाकात होती है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। मिस्टर लियू लशन को पसंद करते थे। आज मौका मिला था लशन से फ्लर्ट करने की। मिस्टर लियू शेंग के मीटिंग पर आया था। शेंग मिस्टर लियू को लशन के साथ ऐसा करते हुए देख लेता है और मन ही मन उसे सबक सिखाने की प्लान बना लेता है। फिर वो लशन के सामने आता है। वैसे वो लशन को भी गलत समझता है। उसकी बातों से पता चलता है लशन जब कहती है वो यहाँ अपने दोस्त के साथ आई थी, शेंग को लगता है वो दोस्त मिस्टर लियू था। लशन शेंग को सोच समझ के बात करने के लिए बोलती है। शेंग को बहुत गुस्सा आता है उस पर। उसे इस बात का दुख था कि लशन हैरान होने पर भी उसे मदद नहीं मांगती थी। शेंग अपने मीटिंग पे वापस चला आता है। मिस्टर लियो को अब उसे सबक सिखाना था तो वो बैडमिंटन खेलना चाहता है। खेल के बहाने वो बार बार मिस्टर लियू पे अटैक करता है। वहाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा था मिस्टर लियू शेंग का क्या बिगाड़ा था जो वो उस पर इतना गुस्सा दिखा रहा था। शेंग उसे समझा देता है लशन के साथ उसने जो किया ये उसकी सजा थी। इस चक्कर में शेंग भूल ही गया था उसे लशन को लेके उसके घर जाना था। लशन मैसेज भेजती है अगर वो नहीं आया तो वो अकेले ही घर चली जाएगी। तब शेंग अपने दोस्तों को बीच रास्ते पे गाड़ी से उतार के खुद गाड़ी लेके चला जाता है। वहाँ लशन को अकेले आते देख के ये लशन को ह्यूमिलेट करती है। इसका बॉयफ्रेंड भी दिखा दिखा के इसे प्यार कर रहा था। तभी शेंग चला आता है और उसे देख के ये बंदा अपना मुंह छुपाने लगता है। अब तक ये दोनों मिलके लशन को ह्यूमिलेट कर रहे थे लेकिन शेंग के एक बात से इनका रिश्ता ही टूट जाता है। ये बंदा शेंग की ही गाड़ी उधार में लेके आया था। जब इसे पता चलता है इसका बॉयफ्रेंड गरीब था तो तभी इसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। बचपन में लशन उसकी दीदी चिंगजी शेंग सब साथ में बड़े हुए थे, इसीलिए लशन चिंगजी पे बचपन से ही क्रश खाती थी। चिंगजी आके लशन को हग करने जा रहा था लेकिन बीच में शेंग आ जाता है। लशन चिंगजी को देख के खुश थी पर शेंग उसे बार बार याद दिला देता था कि वो अभी भी उसकी पत्नी है। हर बात पे उसकी तरफ अपनी पॉसिटिवनेस दिखाता है। फिर हम लशन की मॉम को देखते हैं। एना उनकी बड़ी बेटी थी, उनकी लाडली, लेकिन वो लशन को पसंद नहीं करती थी। वैसे शेंग से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्योंकि वो लशन को पसंद नहीं करती थी इसीलिए शेंग भी उन्हें खास पसंद नहीं करता था। खाने की बारी आने पे शेंग पूरा झींगा का प्लेट लशन के लिए ले लेता है। लशन की नज़रें चिंगजी को ही देख रही थी। जिया एना और चिंगजी को क्रैब ऑफर करती है। लशन जल्दी से कहती है चिंगजी को क्रैब से एलर्जी थी। जिया जब कहती है लशन को चिंगजी के पसंद नापसंद के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तब बातें घुमाने के लिए लशन एना के पसंद नापसंद को भी बताती है। शेंग तब लशन के मुंह में झींगा ठूसते ही जाता है। वो लशन को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। बातों ही बातों में लशन की मॉम लशन को इनडायरेक्टली इंसल्ट करती है। शेंग भी उनके हर उल्टे तेरे बातों का जवाब दे देता है। अब क्योंकि लशन यहाँ ठीक से खा नहीं पाती तो शेंग घर पे लशन के लिए खाना बना के रखने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम जान पाते हैं लशन इनकी खुद की बेटी नहीं थी, बचपन में वो उसे लेके आई थी और उन्होंने ही पैसों के लिए उसके साथ शेंग की शादी करवाई थी। वो
तो लक्षण की किस्मत अच्छी थी जो शेंग उससे प्यार करता था। अगले सीन में हम देखते हैं लक्षण को हॉस्पिटल से कॉल आता है, उसके भाई की ट्रीटमेंट के लिए फीस भरने की आखिरी डेट थी, लेकिन अभी भी लक्षण के पास कुछ पैसे कम थे। ये बात जब शेंग को पता चलता है तो वो लक्षण के अकाउंट पे बाकी पैसे क्रेडिट कर देता है।